हाँ जी के सत्य को त्रेता में देवता थे, क्षत्रिय थे, द्वापर में आकर के भिखारी बने, कलयुग में आकर के पूरे शूद्र बन गए, ये जानते नहीं हो? तो ऊपर की बातें या ऊपर की बातें जब मोटी मोटी समझते हैं, बच्चा होता है तो छोटा बुद्धि होता है, मोटी मोटी बातें समझता है, बड़ा होता है तो गहराई में जाता है। अभी छोटे बच्चे हैं तो छोटा समझते हैं, बड़े होंगे तो बड़ी बड़ी बातें समझ जाएंगे। और ये 500 यूपिटर बन सकते हैं क्या है? नहीं, 500 आत्माएं इकट्ठा पढ़ सकते हैं क्या यहाँ? 500 500 आत्माएं इकट्ठा पढ़ सकते हैं क्या? 500 आत्माएं तो हाँ, इतने तो हाल में बैठ करके पढ़ ही सकते हैं, कलकत्ते में तो 500 इकट्ठे हो ही जाते हैं। यहां भी टाइम आएगा तो इतना बड़ा हाल बनाया तो 500 नहीं बैठ सकेंगे, इससे ज्यादा की मार्जिन नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा होंगे तो उनको दृष्टि से देखना भी नहीं हो सकेगा, फिर सन्मुख कैसे कहेंगे? सन्मुख होने से तो देखना तो चाहिए ना। लाखों की पब्लिक होती है, बड़े बड़े धर्मगुरु स्पीच देने के लिए बैठते हैं तो लाउड स्पीकर से मीलों आवाज जाती है, यहां वो कायदा नहीं है। यहां तो लिमिट है 400-500 की बस। और आपकी प्रत्यक्षता होने होने के बाद या 500-700 बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बाप 500 करोड़ को देखने में आवेगा क्या? फिर ओ, पहले आएंगे आएंगे या हम पहले आएंगे? 500 आत्माएं 500 आत्माएं तो अभी भी आ जाती हैं कहीं कहीं, कोई कोई शहर में, ये क्या बड़ी बात है? और हाँ, इससे ये साबित होता है इन वाक्यों से, गुलजार दादी में जब ब्रह्मा बाबा आते हैं तो वहां हजारों की तादाद में बैठे हुए होते हैं हॉल में, उसे क्या साबित हुआ? कि वहां बाप पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। और ब्रह्मा देवताओं को भी तथास्तु कहते हैं, असुरों को भी तथास्तु कहते हैं। ब्रह्मा माने अम्मा, अम्मा की गोद में अच्छे बच्चे भी पलते हैं और
बुरे बच्चे भी पलते हैं। दिल्ली सब धर्मों की अम्मा है। हर धर्म के व्यक्ति ने दिल्ली के तख्ते पर दिल्ली की गोद में राज्य किया है। तो अम्मा का स्वभाव ही ऐसा होता है कि बच्चा चाहे जैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, मां कभी अपने बच्चे को गोद से अलग नहीं करना चाहती। मां अपने हर बच्चे को प्यार देती है। ऐसे ही ये ब्रह्मा का पार्ट है। शास्त्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा ने असुरों को भी वरदान दिए। और ज्यादातर असुर बच्चों को वरदान दिए। विष्णु के लिए ऐसा नहीं दिखाते हैं। और शंकर तो बाप है ना, बाप जो है वो सच्चाई के लिए बाप है, सच्चखंड स्थापन करने के लिए है या झूठों के लिए भी है? हाँ, तो हर धर्म में कुछ न कुछ सच्चाई है या नहीं है, है? और फिर बाबा एक एक बार करते हैं, ब्रह्मा सिर्फ असुरों को वरदान देते हैं, है? सिर्फ असुरों को ही वरदान देते हैं ब्रह्मा करके बाबा बोलते हैं। हाँ, उनकी छत्र छाया में जो पले हैं वो सूर्यवंशी पले हैं या और वंशों के पले हैं? और तो और वंश वालों ने स्वर्ग स्थापन करने में सहयोग दिया है या नरक स्थापन करने में सहयोग दिया? और धर्म वाले दुनिया को नरक बनाते हैं। सिर्फ बाप के ही बच्चे हैं जो दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, सत्य युग बनाते हैं। और तो अभी जो ब्रह्मा असुरों को भी तटस्थ करते हैं, देवतों को भी तटस्थ करते हैं, ये बोला ना, तो ये प्रजापिता ब्रह्मा को लागू है। मोस्टली ब्रह्मा के वरदान असुरों को ही मिले हैं। हाँ जी। और ऐसे क्यों है कि असुर ज्यादा ब्रह्मा की तपस्या करते हैं? जो गंदे बच्चे होते हैं, आतताई बच्चे होते हैं, वो बाप का सहारा लेना चाहते हैं या अम्मा को फुसलाई लेते हैं? किसको फुसलाते हैं? जानते हैं कि ये फुसलाने में जल्दी आ जाएगी। बाबा, हम लोगों का पुराना कपड़ा कोई गरीब लोगों को अथवा अनाथालय में दे सकते हैं क्या? मुरली में तो बोला है 108 चकत्ती वाला कपड़ा पहनो, लाट साहब बन के मत रहो। ये लाट साहब ही जब विनाश होगा तो सब धरी रह जाएगी। ये कारखाने कल कारखाने जो अभी बने हुए हैं, कपड़ा बनाए रहे हैं, ये सब धंधों में है नुकसान, सारे ही बंद हो जाएंगे। चिद्दी चिद्दी कपड़ा भी पहनने को नहीं मिलेगा। रोटी टुकड़ खाने को नहीं मिलेगा बड़े बड़े पैसे वालों को। इसलिए जो भी तन मन धन है कहां लगाओ? बढ़िया बढ़िया लकलक के कपड़े पहनने में ना लगाओ, सुंदर सुंदर 36 प्रकार के भोग खाने में ना लगाओ। क्या ईश्वरीय सेवा में लगाओ, ताकि जगन्नाथ के भंडारे में सारा जगत परवरिश ले सके। और
जब मालूम है कि हर एक क्लास में पूछना ही पड़ता है तो आगे आगे बैठ जाया करो। हाँ क्या बोला? पुराने कपड़ों से घर बन जाएगा, माने हम तो रोज नए नए पहनेंगे। एक दिन पहना और कपड़ा उतारा, दूसरे दिन पहना कपड़ा उतारा, एक साल में ही सारा घर बढ़ जाएगा। है? है? ये दिन पहन के दूसरा दिन निकल दे तो? क्यों, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो एक बार का खरीदा हुआ कपड़ा एक बार ही पहन पाते हैं, बाकी रख दिया। चार पांच लोग, चार पांच ज्ञान में चलते हैं क्या? है? जो ज्ञान में नहीं चलते उनकी तो बात ही नहीं है। जो ज्ञान में चलते हैं उनको ये समझानी है कि 108 चकत्ती वाला कपड़ा अभी पहनना शुरू कर दो। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे अच्छे मकान में रहना, अच्छे अच्छे भोजन खाना, ये रोटी कपड़ा और मकान में ही जिंदगी मत कपाए दो। अगर है भी, ऊपर वाले ने दिया है तो काय में लगाओ, है ईश्वरीय सेवा में लगाओ, ताकि 500 करोड़ आत्माएं अपना हिस्सा ले सके भगवान बाप से। अपने ही खाने पीने पहनने में मस्त न रहो। सुनता कौन है? यहां तो अंदर वालों को भी बोल दिया, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे, किनको समझावें? और है राधा बच्ची का असली नाम क्या बाबा? है राधा बच्ची का असली नाम क्या बाबा? राधा बच्ची का असली नाम, असली रूप, असली फोटो तो मुरली में बता दिया। इन दीदी दादियों के पास उनके असली फोटो भी रखे हैं। आप तो नाम की बात पूछ रहे हैं सिर्फ। जिनके पास फोटो रखे हैं उनके पास नाम भी मिल जाएंगे। बाबा तो इशारा देते हैं, ये नाम रूप की तुम्हें ज्यादा दरकार है तो यहां से ले लो। और सूर्यवंशी गद्दी का राजा न कोई बन सके तो सूर्यवंशी प्रजा बनने का लक्ष्य रखना ठीक है या नहीं है? बाबा ने क्या बोला? मैं किस लिए आता हूं? प्रजा बनाने के लिए आता हूं या राजा बनाने के लिए आता हूं? प्रजा भरी ढोएगी या राजा भरी ढोएगा? प्रजा भरी ढोएगी। बाबा तो प्रजा बनाने आते ही नहीं है, प्रजा तो अपने आप ही बन जाते हैं अपने कर्मों के आधार पर। माने हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। अगर प्रजा बनने का लक्ष्य है किसी का तो इससे क्या समझा जाए? उसको भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि जितने भी हुए या दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब आधीन बनना सिखाते हैं या स्वाधीन राजा बनना सिखाते हैं? है? सब अपना आधीन बनाना सिखाते हैं, कोई भी किसी को स्वाधीन नहीं बनाता। पति अपनी पत्नी को स्वाधीन बनाना चाहता है, है? नहीं बनाना चाहता। अरे दुनिया वालों की बात छोड़ दो, ज्ञान में चलने वाले जो पति हैं अपने को कहते हैं कि हम पति हैं, बाबा तो कहते तुम आपस में भाई बहन हो।
लेकिन वो समझते हैं हम पति हैं, तो उनका देहभान टूटता है। वो आधीन बनाना चाहते हैं पत्नी को या स्वाधीन बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सब आधीन बना के रखना चाहते हैं। ये दुनिया की गति है। नहीं बाबा, आजकल पत्नी भी तो आधीन बनाता है। उसके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे ज्यादा जन्मों के राजा बनने के। अभी तो मोस्टली पत्नियां जो अभी ज्ञान में चल रही हैं, वो पूर्व जन्मों के अगर ज्यादा जन्मों के राजा बनने के संस्कार हैं, तो वो क्या करेगी है? वो अपने पति को भी अपने कंट्रोल में चलाना चाहेगी, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार हैं। मैंने बात बताई, इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे प्रजापिता हो, या कोई भी हो, जिनको जिनको भी रथ होता है, वो सब सब स्वार्थी होते। एक ही शिव बाबा है जो आकर के लक्ष्य देते हैं, बच्चे मैं तुमको क्या बनाने आया हूं, राजाओं का राजा बनाने आया हूं। राजाएं स्वाधीन होते हैं, जब मैं आया हूं तुमको स्वाधीन बनाने, तो तुम आधीन प्रजा क्यों बनना चाहते हो? नहीं बाबा, बाबा भी तो सारी दुनिया में 12 जोड़ी को ही बनाते हैं ना। क्या सत्य त्रेता एक है, सिर्फ 12 जोड़ी ही बनते राजा? बाबा त्रेता के लिए वर्षा नहीं देते? फिर 12 जोड़ी आपको 24 आत्माएं तो बनते हैं? सिर्फ 24 आत्माएं तो बनती है? 24 आत्माएं बनती है। बाबा ने 108 को नहीं बनाया क्या? राजा नहीं बनाया? नहीं बाबा, सत्ययुग में जो 9 बनते हैं, वही 9 राजा, वही आत्माएं तो त्रेता में भी बनते हैं। तो सिर्फ और 3 गद्दियां कहां चली गई? वही वो इसलिए बोला 12 जोड़ी। हाँ, तो जो 12 जोड़ी है, 24 आत्माएं, जो 12 जोड़ी है, वो तो ऊंचे ऊंचे जन जन्मांतर का पद पाने वाले, लेकिन कोई ऐसे भी तो हैं जो दो, दो चार जन्म राजा बन के रह जाते हैं। कोई लगातार नहीं बनते हैं राजघराने में, कोई राजघराने में लगातार जन्म लेते हैं। तो ये तो अपना अपना पुरुषार्थ है, कोई कम पाते हैं, कोई ज्यादा पाते हैं। तो द्वापर के बाद बन सकता है? हाँ, द्वापर के बाद भी जो राजा बनते हैं, वो राजा बनने का प्रारब्ध भी 21 जन्मों के आधार पर है या नहीं है? वो भी 21 जन्मों के आधार पर। और सबसे ज्यादा ग्लानी शिव बाबा की होती है? है सबसे ज्यादा ग्लानी शिव बाबा की होती है पतितपन के आधार पर। सबसे ज्यादा ग्लानी शिव बाबा की होती है पतितपन के आधार पर। नेक्स्ट ब्रह्मा की ग्लानी ज्यादा होती है, उसके बाद ब्रह्मा की ग्लानी होती है, इस आधार पर होती है। क्या देखने में नहीं आया, ब्रह्मा ने जिन बच्चों को पढ़ाया उन बच्चों की संख्या ज्यादा थी, या शिव बाबा जितने बच्चों को पढ़ाता है उनकी संख्या ज्यादा होती है? है ब्रह्मा का संपर्क संसर्ग ज्यादा बच्चों से रहा, या प्रजापिता ब्रह्मा का ज्यादा बच्चों से संसर्ग संपर्क रहता है? है प्रजापिता ब्रह्मा का ज्यादा बच्चों से संपर्क संसर्ग रहता है। तो इससे साबित हो जाता है कि ब्रह्मा का विस्तार उतना नहीं है। हाँ, शरीर छोड़ने के बाद उतना ही विस्तार है, तो उसका गायन नहीं है। और Thank you.
आ जाओ इधर इधर बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। अरे बड़ो 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 बड़ो। हाँ जी, सब करने वाला था हिंदू लोग, हमारा सनातन धर्म वाला हम मानते हैं, सब हमारा बाबा का बच्चा, ये सब सूर्य वंश मानते हैं। वो नहीं ऐसा मन में सुभान नहीं आता, दूसरा धर्म को इस्लाम को वो भाई कर रहा है। हाँ, सनातन धर्म वाले या हिंदू धर्म वाले, हाँ, हम मानते हैं सब धर्मों को हमारा भाई बहन है। सब धर्मों को हम अपना भाई बहन मानते हैं, मतलब हमारा बाप का बच्चे है, है? सभी सभी हमारा बाप का बच्चा है, सभी एक परिवार है, देखो हम मानते हैं, हम मानते हैं, हिंदू धर्म वाले मानते हैं, सनातन धर्म वाले मानते हैं। हमारा हमारा बाप का बच्चा है और हमारा भाई है, ऐसा मानते हैं। मुसलमानों से लड़ाई क्यों लड़ी? हिंदू धर्म वाले देव वो राजाओं ने मुसलमानों से या क्रिश्चियन से लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी? अगर अपना भाई होता है और जायदाद के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है तो जो सनातन धर्म का बच्चा होगा वो राजा यूं ही दे देगा कि नहीं दे देगा? लो तुम ही ले जाओ। पहले उसको छीना था, इसलिए वो लड़ा कर पहले उन्होंने छीना था, दूसरे राजा, दूसरे राजाओं ने छीना था, माने हिस्ट्री में पहले उन्होंने छीना था, छीना था तब लड़ाई लड़ी थी कि नहीं? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब आक्रमण हुए विदेशियों के, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? तो ये तो बौद्ध धर्म का ज्ञान है कि बीवी बाल बच्चों को उठा ले जाओ, अहिंसा परमो धर्म, ये सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई का मतलब ये नहीं है कि स्व की अवहेलना कर देना। स्वचिंतन पहले है, आत्मरक्षा पहले है, और सचिव के आठ व्यक्ति में जो नारायण बनते हैं वही राम बनता है, जो बाबा ने बोला है। लेकिन वो तीन व्यक्ति आठ के वो जो मोदी क्रिश्चियन आते हैं वो लोग नारायण ही बनता रहे। वो बनते कहाँ हैं? वो तो बिगाड़ते हैं या बनते हैं? बिगाड़ने तो है, उसका नाम तो जो राम बन, जो नारायण बनता है वही राम बनता है। वो नारायण बनते ही नहीं, वो बनते कहाँ हैं? वो सत्य को बनाते नहीं है, वो झूठ ही बनाते हैं, वो झूठ ही बनाते हैं और सत्य का विनाश करते हैं। जो सत्य बाप आता है उस सत्य बाप के बनी बनाई बात को भी बिगाड़ते हैं, तो नारायण कैसे बनेंगे? नारायण का तो मतलब ही है नारायण, जिसका ज्ञान में ही घर है। वो तो ज्ञान को समझने के बावजूद भी क्या करते हैं? अज्ञान ही फैलाते हैं। तो वो नारायण ही राम बनता है क्या थोड़ी? हाँ, जो आठ या नौ नारायण है संगम के मिलाकर, नौ नारायण ही नौ राम बनते हैं, जो स्थापना ही करते हैं, विनाश नहीं करते। लेकिन विनाश भी जरूरी है, इसलिए जो विनाशकारी और तीन हैं उनको भी ऐड किया जाता है कि भाई तुम भी कुछ लो, तुमने भी भगवान का काम किया है। भगवान का काम तीन है ना, स्थापना पालना और विनाश। तो मकान ये इतना बड़ा बनाया है, इसको बिगाड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा या बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? ज्यादा मेहनत काय में है? है बनाने में वर्षों लग जाते हैं और बिगाड़ने में तो कोई देर ही नहीं लगती। ऐसे ही है, ये एटम बम बना रखे हैं, ये बनाने में उनको ज्यादा टाइम लगा है या दुनिया नई दुनिया बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? है? और बाबा ये जो बात है ना कि मेरे जो काम है
वो पहले जो नाम है वो कर्ज लेता है। हाँ, राम नहीं कर्ज लेता है, राम तो साहूकार होता है इसलिए देता है। तो नारायण जो आठवां नारायण या नवराम नारायण जो है उसको क्या जरूरत पड़ी कर्ज लेने? वहाँ लेने देने की बात नहीं है, गायन कहाँ का है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, तो साहूकार बन के कहाँ देता है, यहाँ साहूकार बनता है बेहद का, यहाँ बेहद का साहूकार बन करके उनको राजाई चलाने के लिए मौका देता है कि तुम राजाई चलाओ कमाई हम कर रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मणों का जो कर्म है वो ज्ञान लेना और ज्ञान देना ही कर्म है, बैंक बैलेंस बनाना मान मर्तबा लेना ये ब्राह्मणों का कर्म नहीं है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसा हुआ है नौवा नारायण जिसने बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया? क्या किया? ब्राह्मण परिवार में मान मर्तबा लेता रहा, हवाई जहाजों में घूमता रहा, घूम घूम करके पब्लिक के पैसे खर्च किए हैं, मान मर्तबा लिया है दुनिया से और ब्राह्मणों की दुनिया से, बैंक बैलेंस बड़ा बनाया है, लेकिन जो करना था वो नहीं किया, इसलिए सारी राजाई उसकी चट हो गई। और राम वाली आत्मा राज्य पर स्थिर हो गई, नारायण का राज्य चला गया, नारायण का नाम निशान त्रेता में खत्म हो गया और राम का राज्य शुरू हो गया। उनको ब्रह्मा बाबा मान लिया? ब्रह्मा बाबा कोई भगवान थोड़े ही है, मान्यता लेनी है तो किससे लेनी है, भगवान को खुश करना है या दाढ़ी मूछ वालों को खुश करना है? भगवान को, आप ब्रह्मा को ज्यादा समझते हैं। शिव बाबा तो था ना, फिर वो शिव बाबा था, बाबा था उनमें, बाबा कहाँ था, शिव था, उसने माता का पार्ट बजाया, बस माता को बाबा नहीं कहा जाता है। और क्यों नहीं रहता है? हिसाब ये है कि जो भी कर्म हम करते हैं अच्छे या बुरे, अच्छे कर्म भी करें या बुरे भी कर्म करें, लेकिन अगर धीमी गति से करते हैं तो उसका फल बहुत जन्मों के बाद भी मिल सकता है, और बहुत तीव्र गति से करें तो उन किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिल सकता है। तो 63 जन्म धीमी गति से ही कर्म होते आए हैं, इतनी शक्ति ही नहीं आत्मा में रहती है भिखारियों में कि तीव्र गति से कर्म कर सके, ये तीव्रता तो अब आती है संकल्पों में, कर्मों में, वाचा में, जब भगवान का सच्चा ज्ञान मिलता है, इसलिए इसी जन्म का इसी जन्म में प्राप्ति प्राप्त हो जाती है, अच्छे संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं और बुरे संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं। अगर बुरे से बुरा संकल्प करें, हे भगवान के बने बनाए घर तू बिगड़ जा, तो वो ये भी कर सकता है, बहुत बड़ा काम है छोटा काम है, बड़ा काम है, इसलिए इशारा दे दिया है, खास कुमारों के लिए बोला है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, बने बनाए भगवान के पूरे राजधानी को उड़ा सकते हैं, भगवान की भी राजधानी उड़ाए दें, भगवान के भी बने बनाए घर को वो उजाड़ दें, इतनी ताकत है कुमारों में, और ऐसे ऐसे कुमार ब्राह्मण परिवार में हैं मौजूद,
और इसमें और एक बात कि जो हमने पूछा ना लौकिक जन्म के बारे में, तो ये जो जाति के बारे में कहते हैं ना, वो ब्राह्मण परिवार के है या ब्राह्मण है शूद्र है ऐसे, तो लौकिक में जो है इससे अब संगम का या ध्यान का जो प्रचार है है ना। यहाँ भक्ति मार्ग में भी जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं फिर भी समाज में उनकी ज्यादा मान्यता है या कम मान्यता है? ज्यादा मान्यता है। अब आप देखेंगे चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर का पार्ट हो, चाहे जगदम्बा का पार्ट हो, ऊंचे ऊंचे पार्टधारी हैं या नीचे हैं? हैं? ऊंचे पार्टधारी आखिरी जन्म में कौन सी जाति में जन्म लेते हैं? ब्राह्मण धर्म में जन्म लेते हैं ना, तो ऊंचे ही हैं। मान मर्तबा जो मूल बात है, मान मर्तबे की, मान मर्तबा जो है लाभ हानि जीवन मरण, ये मान सम्मान अपमान ये सब पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। नहीं तो कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, कितना भी ऊंचा से ऊंचा काम करके दिखाए, मान सम्मान नहीं मिलना होता है तो नहीं मिलता है। लाभ जो मिलना चाहिए नहीं मिलना है तो नहीं मिलता है। है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ ये तो जरूर है कि जो पार्ट डिक्लेयर हो चुके हैं वो तो अब नहीं बन सकते। अगर ब्रह्मा का पार्ट ब्राह्मण धर्म में डिक्लेयर हो चुका, ब्रह्मा का पार्ट क्लियर हो गया, जगदम्बा का पार्ट क्लियर हो गया, वैष्णवी का पार्ट क्लियर हो गया, शंकर का पार्ट क्लियर हो गया, नारायण का पार्ट क्लियर हो गया, तो वो तो जो क्लियर हो गया वो तो हो गया। अब उसको काट करके कोई ये जाना चाहे कि हम तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, तो भी हम नारायण पद पा सकते हैं, तो भी हम ब्रह्मा बन सकते हैं, वैष्णवी शक्ति बन सकते हैं, तो वो तो नहीं हो सकेगा। और बाकी तो और हैं, अष्ट देव हैं। हाँ हाँ विश्वामित्र, ये विश्वामित्र यहाँ की बात है या कोई दूसरी जगह की बात है? यहाँ की बात है। यहाँ जो विश्वामित्र कहा जाता है वो बेहद में विश्वामित्र है, क्षत्रिय या हद में है, वो बेहद का लड़ाका है, क्षत्रियों को लड़ैया कहा जाता है, तो बेहद की लड़ाई लड़ने वाला है। बेहद की लड़ाई लड़ने वाला विश्वामित्र तो एक ही शिव बाबा है, वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेते हैं। और त्रिमूर्ति के चित्र में चार कुमार को तीन कुमार दिखाता है, मतलब में आगे में तीन कुमार है, क्योंकि जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना दिखाई गई है ना, वो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला है या क्लीन शेप वाला है? हाँ, इसलिए अंतर पड़ता है। और इसमें त्रिमूर्ति के चित्र में वहाँ पे लिखा है जो पांच धर्म करके लिखा है, पांच मुख्य धर्म करके लिखा हुआ है त्रिमूर्ति के चित्र में, पांच मुख्य धर्म, पांच मुख्य धर्म करके क्या देवता क्षत्रिय और तीन धर्म, पांच धर्म लिखा है देवता क्षत्रिय पांच मुख्य धर्म करके लिखा हुआ है। अरे गिना दो ना पांचों, उठने की जरूरत नहीं, ऐसे ही गिना दो। वहाँ लिखा है बोल रहा है,
है? क्या लिखा? पढ़ो, पढ़ दो। यहाँ जो लिखा है, पांच विकार भूमि माया से हारे हार, माया पर मेरे द्वारा जीते चित्त का अर्थात आधा कल्प हार आधा कल्प चित्त का पांच मुख्य युग पांच मुख्य धर्मों वाला एक अनादि बना बनाया श्रीदामा है। पांच मुख्य धर्म ऐसा लिखा है। हाँ, तो ठीक बात है। और कल्पवृक्ष में जब हम बात करते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ चार मुख्य धर्म करके बताते हैं। नहीं, वहाँ भी पांच है। चार जो विधर्मी है उसमें इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन और इधर आते हैं सतयुग त्रेता के दो धर्म। सतयुग माने सूर्यवंशी और त्रेता माने चंद्रवंशी। तो दोनों को अलग अलग समझा जाए। देवता धर्म नहीं। हाँ, देवता धर्म ही जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय बनते हैं। तो उनको इंक्लूड करके पांच। हाँ जी। और लौकिक दुनिया में जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, तो उस हीरो का किसी जन्म में पत्नी बनना पड़ता है क्या? अरे लौकिक जन्म में एक ही जन्म की बात होती है हीरो हीरोइन की, या दो चार जन्म की बात होती है? वो तो एक ही जन्म की बात होती है, वहां की तो बात ही नहीं है। और बाबा जो मिनी मधुबन बना करके देते हैं, उनका जन्म जन्मांतर की क्या खास प्राप्ति होती है? अरे भगवान को महल बना करके दिए तो जन्म जन्मांतर क्या मिलेंगे? महलमाणियां अटारियां मिल जाएंगी। लौकिक दुनिया में एक जन्म करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, तो अगले जन्म के लिए उनको बड़ा राजा बनकर के बड़ा महल बन जाता है, मिल जाता है। और यहाँ एक जन्म की नहीं, यहाँ कितने जन्म की प्राप्ति है? जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है, अनेक जन्म की प्राप्ति है। यहाँ एक जन्म देना और वहां अनेक जन्म लेना हो जाता है। हाँ जी, के बारे में बात करने से लोग उधर उधर चल जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दे, दिक्कत है। बाबा ने तो बता दिया, सौ को सुनाएंगे तो एक निकलेगा। इसमें बड़ी बात क्या हो गई? धैर्य क्यों छोड़ देना चाहिए? सौ को सुनाया तो सौ प्रजावर्ग में तो आ गए, संदेश तो ले लिया ना। संदेश लेने मात्र से ही प्रजा बन गई। वो पुरुषार्थ करें, इंटरेस्ट लें या न लें, अगर इंटरेस्ट लेंगे और ज्यादा ज्ञान की गहराइयों में जाएंगे तो अपने ही 84 जन्म को डिक्लेयर कर लेंगे अपने आप। दिमाग में कुछ कहा टेम्पल है ऐसा कहानी का बहुत देर से ले रहा है दिमाग में, वो इकट्ठे जाता है ज्ञान में। ऐसा नहीं आप एक बात है, एक एक कन्नड़ वालों को पहले समझा दो फिर हमें समझाना। ये ही नहीं समझ रहे आपकी बात क्या बोल रहे हैं। नहीं, जोर से बोलने की बात नहीं है, आपकी भाषा में कुछ गड़बड़ है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम के
ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜೋ ಪೂಜಾ हम ध्यान में आने के लिए कितना बोलने से भी नहीं आता करके वही बस फिर दूसरा घुमा के घुमा दूसरा दूसरा कोई जवाब दे तो हाँ वही नहीं बाबा उन्होंने तो पूछा है हम ध्यान के लिए इन लोगों को बुलाते हैं तो कोई आते ही नहीं उसका हिसाब बता दिया ना बाबा ने आप 100 को सुनाएंगे तो उनमें से एक निकलेगा इसका मतलब हुआ कि 99% प्रजा होती है और 1% राजा निकलते हैं वो भी राजा नहीं बनते हैं कोई जरूरी नहीं राजा बन जाए राज परिवार के निकलते हैं राज परिवार के 16,108 हैं हाँ और एक एक के पीछे 100-100 मानने वाले हैं कहीं कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा हिस्ट्री में कोई कोई ऐसे भी होते हैं प्रजावर्ग में जो राजा की बात नहीं मानेंगे रानी की बात नहीं मानेंगे राज्य अधिकारियों की भी बात नहीं मानेंगे राज परिवार का कोई छोटा सा सदस्य होगा राज परिवार का उससे उनकी इतनी दोस्ती हो जाती है कि वो उसी की बात मानते हैं उसी की बात पे चलते हैं तो किसकी प्रजा हुई वो राजा की प्रजा कही जाएगी या परिवार के छोटे से सदस्य की प्रजा कही जाएगी है जो राज परिवार का छोटा सा सदस्य है राज परिवार में सबसे कम जिसकी मान्यता है उसी की बात मानेगा दूसरे की बात नहीं मानेगा सुनेगा ही नहीं ऐसे भी होते हैं कि नहीं होते हैं यहां भी आप देखेंगे शूटिंग पीरियड में बाबा की बात नहीं मानेंगे मां की बात नहीं मानेंगे दीदी दादियों की बातें नहीं मानेंगे दादाओं की बातें नहीं मानेंगे उनका आपस में किसी से लगाव हो गया है उसी की बात मानेंगे तो यही कहना है कि भक्ति में इतना उत्सव होता है लेकिन ज्ञान में ऐसे हाँ ज्ञान में भी तो ये उत्सव ही तो हो रहा है क्यों नहीं आते हैं उसका कारण बता दिया ना कि यहाँ तो सब राजाएं नहीं बनने वाले हैं राजाएं वो ही बनेंगे जो पुरुषार्थ करेंगे ज्ञान का मनन चिंतन का मंथन का ज्ञान में चलने का पुरुषार्थ करेंगे वो राजा बनेंगे नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो नहीं बनेंगे घर में बैठे रहो संदेश लो और चले जाओ जब विनाश होगा ताबड़तोड़ तो उन्हें याद आ जाएगा हाँ इन्होंने हमको संदेश दिया था तब अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो पहले जन्म की प्रजा बन जाएंगे ऐसा संकल्प कर सकते आप उसमें ऐसा संकल्प कर सकते हैं दूसरा मतलब क्या ऐसा अच्छा होना ज्ञान ज्ञान मार्ग में आने के लिए हाँ अच्छा ही करना है शुभ भावना करना संकल्प करना माने शुभ भावना करना किसी के लिए शुभ भावना करना बुरी बात हो रही है अच्छी बात है बाबा ये भाई भक्त है 500 करोड़ में एडवांस आने वाला कितना परसेंटेज डायरेक्ट एडवांस में कोई नहीं आता पिछले जन्म में बेसिक में चल चुका होगा कोई ये जन्म में तो डायरेक्ट आते हैं तो वो भी परसेंटेज ज्यादा नहीं है बहुत थोड़े लोग हैं जो इस जन्म में पहली बार ज्ञान में आए हैं हाँ ज्यादातर यहाँ ऐसे ही बैठे होंगे जो बी के बन चुके हैं और इस जन्म में बी के बनने के बाद फिर एडवांस को पकड़ा है इसलिए तो कहा जाता है यादव कौरव और पांडव पांडव किन्हें कहा जाता है पांडव और कौरव एक ही कुल के थे कि कुल अलग अलग थे हैं उनका जो
मूल वंश था वो तो कुरुवंश ही था ना, बाद में पांडव बने। और पांडव बनते कब है? जब देश निकाला मिलता है तो पांडव बन जाते। ऐसा कोई पांडव हुआ जिसको देश निकाला न मिला हो? अरे शास्त्रों में ऐसा कोई पांडव दिखाया है? सबको देश निकाला मिला। देश निकाला मिलता है तो पांडव बन जाते। तो यहां ज्यादा परसेंटेज किसका है? जिनको देश निकाला मिला है वो यहां जास्ती तादाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से देश निकाला मिला या नहीं मिला? है धक्का खा के आए या नहीं आए? धक्का खा के आए। धक्का खा के आए तो पांडव बन गए। ये निशानी है पांडव बनने की। बाकी जो धक्का देते हैं वो कौरव हैं, उनको अहंकार रहता है कि हम करने वाले हैं, अच्छा करने वाले तो हम हैं, तुम्हारा भाग्य बिगाड़ने वाले, बुरा करने वाले तो हैं तो हम हैं, हमारे से तुम्हारा भाग्य बनेगा, हमारे से तुम्हारा भाग्य बिगड़ेगा, हम हैं करने वाले। वास्तव में तो वो कौरव भगवान को भी नहीं मानते। जैसे आज की गवर्नमेंट कहती है, कौरव गवर्नमेंट है तो क्या कहती है? दिल्ली को स्वर्ग कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। दुनिया में और कोई हस्ती नहीं है जो दिल्ली को स्वर्ग बनाए, हैं? हाँ, हम बनाएंगे। उन्हीं के आधार मूर्त बीके में बैठे हुए हैं। वो भगवान को मानते हैं क्या कि भगवान भी कोई साकार में होता है राजधानी स्थापन करने वाला? बल मुरली में तो बाबा ने बोला है कि और कोई धर्म पिताएं नहीं है जो राजधानी स्थापन करके जावे, ये तो एक ही शिव बाबा है जो तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाता है, तुमको साथ लेकर के जावेगा। तो कौरव तो ऐसे भगवान को मानते ही नहीं है। उनका कहना तो है कि हम स्वर्ग बनाने वाले हम हैं, भगवान तो सिर्फ ज्ञान सुना के चला जाता है। जैसे और धर्म पिताएं दुनिया में आए, गाल बजा के चले गए, और ही दुनिया नरक बनती गई। दुनिया नरक बनती गई या स्वर्ग बनी है? है नरक बनती गई। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को समझते हैं कि वो भी आए, गाल बजा के चले गए, अब कर्ता धर्ता तो हम हैं, स्वर्ग बनाने वाले हम हैं, भगवान कुछ नहीं करता है, वो तो बिंदु है। एक तरफ कहते हैं करण करावन हार है, वो करता भी है और कराता भी, तो दो दो बातें करते हैं। ऐसी दो दो बातें करने वाली आत्माएं द्वापर में जाकर के कन्वर्ट हो जाएंगी। और कन्वर्टेड ब्राह्मण तो अभी भी हैं, क्योंकि दो दो बातें करते हैं। भगवान एक ही बात बोलेगा या दो दो बातें बोलेगा? भगवान तो एक ही बात बोलेगा, एक मुंह से एक बात, और अनेकों मुंह से अनेक बातें बोलने वाला कौन कहा जाता है? रावण दो मुख भी नहीं, बार बार बात बदलेगा। झूठे आदमी को बार बार बात बदलनी पड़ती है, तो सच्चा होगा वो तो सदैव ही सच्चा रहेगा। सिख लोग कहते हैं ऐसी भी सच हो सी भी सच, सच ही था, सच ही है, सत्य ही बना रहेगा। सत्य का कभी नाश नहीं होता है, उस सत्य को ही भगवान कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। भगवान आता भी है तो देता क्या है?
मेहलवानी अटारियां देकर जाता है क्या? क्या देता है? ज्ञान देता है। ब्रह्म बाबा को कर्ण कहते हैं ना? ब्रह्म बाबा को कर्ण कहते हैं ना? कहते कर्ण। हाँ, फिर शास्त्रों में कर्ण को भी देश निकलने दिखाते हैं, कर्ण को देश निकाला, जिसने दिया वो किसके अधीन रहती थी? फिर तो वो भी कौरव हुई ना। यहाँ तो सूर्य पुत्र ऐसा नहीं हुआ ना, ब्रह्मा बाबा तो एक के अंदर ही था ना। उनको देश निकाला नहीं मिला, उनकी धन संपत्ति को किसी ने हसड़ नहीं लिया। जब धन संपत्ति हसड़ ली, सारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अपने कंट्रोल में कर लिए, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बना करके अपनी मुट्ठी में ले लिया, तो ब्रह्मा बाबा को धक्का नहीं मिला? धक्का मिला या नहीं मिला? आपसे बड़ा धक्का मिला या छोटा धक्का मिला? आपको तो छोटा धक्का मिला, उनका तो हार्ट ही फेल हो गया। तो कर्ण नहीं हुआ। पांडवों में सबसे पहला पांडव है या बाद वाला पांडव है? है पहला पांडव है वास्तव में। और में तो जो पांडवों का पिता पांडुराज, पांडव वो तो जो पांडव जो बहुत छोटे रहते हैं तभी शरीर छोड़ते, छोटे नहीं राजा बनकर के शरीर छोड़ा है। तो वो नहीं, पांडव बहुत छोटे 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 बच्चे थे, तो आप भी छोटे छोटे बच्चे ही थे। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे यज्ञ के आदि में, तब ही तो राम बाप ने शरीर छोड़ा था। इस जन्म में बड़े हैं या छोटे हैं ज्ञान के आधार पर? जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा। तो एडवांस ज्ञान आपको इस जन्म में मिला या पूर्व जन्म में जब बच्चे थे तब मिला? शैशवावस्था थी ना वहां, तब आपको ज्ञान मिल चुका था। और पांडव थे, वो सब अलग अलग देवताओं के पुत्र थे। हाँ, इसका राज यही है कि जो बड़े से बड़ा पांडव है युधिष्ठिर, तो किसका बच्चा है? धर्मराज कौन है? है कौन है धर्मराज? ब्रह्मा बाबा। सबसे ज्यादा धारणाएं किसने की? ब्रह्मा बाबा ने की। तो धर्मराज का पुत्र है। और ऐसे हरेक में, हरेक एडवांस का जो भांति है, उसमें कोई न कोई ब्राह्मण धर्म की आत्मा जो वहां से शरीर छोड़ती है वो प्रवेश करती है। प्रवेश ही नहीं करती, उसकी सुरक्षा भी करती है। और कुमार तो एक ऑडियो कैसेट में कहा है, जो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के पहले बाबा ने कहा था, आप सर्विस पर जाओ। दादी ने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, वहां ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा सेवा नहीं है, मैं यही रहूं। तो पिछले दिन का बात, वो खुद पिछले दिन का बात, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने का पहले दिन का बात, वो ब्रह्मा बाबा ने कहा, दो दिन पर तुम जाओ सर्विस पर। दादी ने कहा, नहीं हम नहीं जाओगे, हम यही ठीक हूँ, ठीक है, वहां ऐसा कोई काम नहीं। ठीक तो है, इसे साबित क्या हुआ? कबूतर बुद्धि है या तोता बुद्धि है? श्रीमत का उल्लंघन करने वाले वो कबूतर बुद्धि है, उनके मुंह से गुटरू गु की आवाज निकलती है, गुटर गुटर करके अंदर ही रह जाता है, सच्चाई ज्ञान मुंह से नहीं निकलती है। सच को ही ज्ञान कहा जाता है।
जो सच्चाई है एडवांस ज्ञान की वो उनके मुख से नहीं निकल सकती, निकलेगी भी तो गुटरू 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 करके रह जाएंगी, असली बात फिर भी नहीं बोल पाएंगे। तो आजकल का जो मैगजीन है उसमें वो लोग निकल रहे हैं, और रमेश भाई ने ब्रह्म बाबा ने खुद कहा था ट्रस्ट बना करके, इसका कोई प्रूफ होता है? मोबक्के का एक बार लिखा और 100 बार बक्का, अगर मुरली में आया हो कहीं तो बात मान लेंगे, मुरली में कोई ऐसा इशारा दिया हो तो मान लेंगे, सिर्फ मुख से कहने से कोई बात थोड़ी साबित हो जाती है। और कारण था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अपमानित की, अंधे के अवतार ठीक है, क्या ये ध्यान में भी था? क्यों यहाँ कन्याएं माताएं कारण नहीं बनती हैं? है? अरे ये भागेंगी, भागवत होगी तो भागवत होने के बाद ही महाभारत होगा या पहले होगा? अभी जो भाग रही हैं वो बाहर गृहस्थ परिवार में से भाग रही हैं या अंदर से भाग रही हैं? है? अंदर सरेंडर ब्रह्मा कुमारियों में से भाग रही हैं। हाँ, जब वो यहां आने लगेंगे तो महाभारत हो जाएगा, और ये तो जानते ही हैं रानी मक्खी पहले भागती है या साधारण मक्खियां भागती हैं? पहले कौन भागती है? रानी मक्खी तो मुखिया है, वो भागेगी तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। लेकिन अभी भी ब्रह्मा कुमारी हैं, कहां उनको ब्रह्मा कुमारी, जैसे तुम हो यहां आए हुए वैसे वो भी है, उनको थोड़े ही कहेंगे ब्रह्मा की कुमारी। ब्रह्मा कुमारी वो है जो ब्रह्मा को ही अपना सब कुछ मानती है, परवरिश करने वाला। और हमारे ज्ञान में, हमारे बाप के ज्ञान में मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया सिखाई जाती है या और इंद्रियों को एकाग्र करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? है, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये जो वाचा है ये वाचा तो स्थूल है, वाचा को कंट्रोल करने से, कान को कंट्रोल करने से, नाक को कंट्रोल करने से, आंख को कंट्रोल करने से या कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने से योग सिद्ध नहीं होगा। ये सब इंद्रियां जो हैं, 10 इंद्रियां, ये मन के कंट्रोल में रहती है। अगर राजा को कंट्रोल कर लिया तो सारी इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। ये मंत्र शक्ति वाचा से निकलती है, और वाचा भी 3 प्रकार की होती है, अंदर अंदर बोलते रहे आवाज न निकले, किसी भी प्रकार की आवाज न निकले, अंदर अंदर चलता रहे, राम 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 राम, अंदर अंदर चलता रहे, वो है मनसा जाप। फिर
वाचा से मुख से निकले वाचा जब और वाचा के साथ साथ किया स्वाहा, तो कर्मेंद्रियों से स्वाहा भी करें और मुख से भी निकले, तो तीन प्रकार का जाप है। ये सब इंद्रियों की बात है, इंद्रियों का राजा मन है, मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। तो सोचते हैं कि मंत्र से मन को कायर करना, मंत्र वाचा की चीज है, वो कहते हैं कि मन को कायर, मन दूसरी ओर नहीं चलता रहता है। जब मुख से बोलते हैं रम 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 रम, माला फिरती रहती है हाथ से, और मुख से अंदर अंदर बोलते रहते हैं रम 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 रम, मुख से आवाज नहीं निकलती है, तो उनका मन दूसरी जगह नहीं जाता है, तो मन सा कहाँ हुआ, झूठ बोलते, तो बोलते हैं मनसा, लेकिन मनसा होती नहीं है। मनसा को एकाग्र करना ये सिर्फ बाप ही सिखाते हैं। मन रेव आत्मा, मन को कंट्रोल कर लिया माने आत्मा को वशीभूत कर लिया, वो आत्मा को कंट्रोल करना परमात्मा बाप का ही काम है। दूसरों को शाप देता ऐसा है माना, और कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है ना, दूसरों से शाप देता है ऐसा, गाली देता है क्या बोलते हैं, शूद्र गाली देता है तो देना दो, हमारा क्या बिगड़ता है, गाली चिपक जाती है क्या, कोई ग्लानी करता है कोई गालियां देता है तो क्या वो चिपक जाती है हमको, नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी की गाली देने से, किसी की ग्लानी करने से, अभी कौरव संप्रदाय कितना ग्लानी करते हैं, अखबारों में ग्लानी करते हैं, टीवी में ग्लानी करते हैं, रेडियो में ग्लानी करते हैं, इंटरनेट में ग्लानी करते हैं, चारों तरफ उनका ग्लानी ही ग्लानी भरा पड़ा है, तो क्या भगवान का कुछ बिगड़ता है क्या है? बाबा तो और ही मुरली में कहते हैं ये तो कुत्ते हैं, कुत्तों को भौंकने दो, तुम कुछ भी ना करो, भोंगने दो, कुत्ते भोंकते रहते हैं, महारथी अपनी मस्ती में चलता रहते हैं, है? ये हाथी रूपी महारथी है, और ओम शांति।